आग जल रही थी कुछ मेरे रूम से, वही 500 मीटर या 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हमने सोचा कि आग लगी होगी, फिर मैंने उसको उनको बताया कि नहीं एक्सप्लोजन की कोई आवाज़ तो नहीं आई बट आग लगी है शायद। तो उन्होंने बताया कि नहीं आप चेक करके बताओ। फिर ये जब हमने दोस्तों से आपस में बात की तो हाँ एक्सप्लोजन हुआ है। फिर जब वो सिचुएशन काफ़ी पैनिक होने लगा तो सब हम लोगों ने सोचा कि कब अब पता नहीं कैसे हम लोगों को राशन मिलेगी कि नहीं, हमारे फूड ग्रोसरीज वगैरह फूड आइटम होंगे कि नहीं। यूनिवर्सिटी से के डीन से बात किया कि हमारा क्लास हमें यहाँ से किसी तरह हम लोग को यहाँ से इवैक्यूएट करवाओ। तो डीन ने हमें वो उसने आश्वासन दिया जो भी बोल रहे हैं जो आप लोगों को या तो कल या परसों जो है हम इवैक्यूएट करवाएंगे। तो डीन ने हमें बताया कि 26th की सुबह को आपके लिए जो है यहाँ से हॉस्टल के सामने से गाड़ी होगी और जो भी बाहर में रहते हैं वो हॉस्टल के सामने आ जाना और 26th की सुबह को आपको वहाँ से चाहे या तो रोमानिया बॉर्डर या हंगरी बॉर्डर को पहुँचा दिया जाएगा बॉर्डर को। बट एक्चुअली हुआ ये कि इंडियन एम्बेसी ने उन्हें मना कर दिया। 25th के शाम को हमें नोटिस आता है कि आपका जो हमने जो बस जो बुक किया था वो इंडियन एम्बेसी ने हमें मना करवा दिया। इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि आपके बस 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हो और अभी आप लोगों को अलाउ नहीं है। जब 25th की शाम को सायरन बजने लगा 6 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे के आसपास काफ़ी सायरन वगैरह बजने लगा और फिर रात में 9 बजे के आसपास जो है वो होने लगा, मतलब फाइटर जेट उड़ने लगे। 11 फाइटर जेट वहाँ पे इवानों में हमने देखा अपनी आंखों से उड़ रहा था, सारे बच्चे डर गए। फिर हमने डिसीजन लिया कि इंस्टेंट हमें या तो बस बुक करना है या जैसे भी बुक करना है हमें बॉर्डर पहुँचना है क्योंकि ये सेफ नहीं है। जब हम वहाँ पे बॉर्डर को पहुँचे तो देखते हैं कम से कम 10 से 15 हज़ार ऑलरेडी वहाँ पे क्राउड था उसका और वहाँ से इंडियन एम्बेसी का कोई भी बंदा नहीं था। हम और लाइन में लगने के बाद क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 10 से 15 हज़ार लोग थे तो लाइन में लग के फिर हमें 8-10 घंटे उसमें टाइम लगा। टोटल हमें 30 आवर्स लगे बॉर्डर इस साइड के बॉर्डर को एंट्री करने में। फिर जब मैं 11 बजे आँख खुली मैंने उनसे पूछा कि मुझे इंडियन एम्बेसी जाना है क्योंकि मुझे मैं अकेलौता वहाँ पे इंडियन था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं पता नहीं कहाँ आया हूँ कहाँ नहीं। तो फिर मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बताया कि इंडियन एम्बेसी के लिए एक भी बस नहीं है, फोर्स वगैरह थे जब मुझे इंडियन एम्बेसी जाना है तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडियन एम्बेसी के लिए बस नहीं है, आपको कल जाना पड़ेगा। मैं बोला नहीं मेरी कल फ्लाइट होगी, मुझे आज ही जाना है। तो फिर उन्होंने वहाँ के जिस सिटी में मुझे ले गया था पता नहीं मेयर या किसी से बात किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि चलिए आपके लिए मैं टैक्सी कर देता हूँ। 200 यूरोज का उन्होंने टैक्सी किया, उसका पेमेंट भी उसने खुद दिया, रोमानियन गवर्नमेंट ने पे किया उसको और मुझे वहाँ से 400 किलोमीटर की दूर पे बुचारेस्ट जो सिटी था जहाँ पे इंडियन एम्बेसी था वहाँ पे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि कहाँ पे है तो पता नहीं चल रहा था कहाँ। तो मैंने बोला कि एयरपोर्ट आप मुझे छोड़ सकते हो तो एयरपोर्ट छोड़ दो मुझे, क्योंकि सबको पता था कि इंडियन एम्बेसी के बंदे कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे होंगे। फिर एयरपोर्ट पे मुझे इंडियन एम्बेसी के अरिजीत सर मिले, फिर अरिजीत सर ने मेरी हेल्प की, फिर वहाँ से हमने इंडियन एम्बेसी पे एयरपोर्ट पे मैं रुका एटलीस्ट 14-15 आवर एयरपोर्ट पे बैठा। उसके बाद मेरी फ़्लाइट हुई नेक्स्ट डे शाम को, मैं मुंबई आया रोमानिया से फ़्लाइट से और फिर मुंबई से बिहार गवर्नमेंट के थ्रू से वहाँ पे डेस्क लगा हुआ था बिहार का, जो जिसको भी बिहार जाना है वो बिहार इस हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम उस डेस्क पे गए, फिर वहाँ से बिहार के पटना के लिए फ़्लाइट हुई और पटना से फिर वहाँ के DM के ऑर्डर से फिर मुझे घर तक गाड़ी से छोड़ा गया।